नमस्कार दोस्तों, एमरोज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, अब तक हमने आपको जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, उसके लिए थैंक यू। आज हम आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आए हैं, एज कैलकुलेशन। आज हम आपको तीन नए फंक्शंस के बारे में बताएंगे, टुडे, डेटेड इफ एंड टेक्स्ट। क्या आपको एक्सेल के अंदर एज कैलकुलेट करना आती है? अगर आपको नहीं आती है तो आज का टॉपिक सिर्फ आपके लिए दोस्तों। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1989 है और मुझे आज की तारीख से ये देखना है कि आज की तारीख में मेरी एज क्या हो गई है। यहाँ पर हम अगर आज की तारीख लाना चाहें, वैसे तो मैं मैन्युअली लिख सकता हूँ 24 अप्रैल 2020, बट आप इस डेट को, आज की तारीख को फॉर्मूले के थ्रू भी ला सकते हैं। इसके लिए आपको करना इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद एंटर, ऑटोमेटिक आज की तारीख आ गई है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डेट के हिसाब से आपको देखना है कि आप टोटल कितने ईयर के हो गए हैं, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा डेटेड इफ। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, वेरी इजी फॉर्मूला है। अगर आपको एक फॉर्मूले का कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आप ईयर, मंथ, डेज, टोटल मंथ्स, टोटल डेज और कंप्लीट एज बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं हम। सबसे पहले आपको करना है इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करेंगे कॉमा, देन आप किसी पर्टिकुलर डेट को क्लिक करेंगे, लाइक आज की तारीख मैंने क्लिक की कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वाई, वाई मीन्स ईयर, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद, एम्परसेंड, इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर आप लिखेंगे ईयर, इन्वर्टेड कॉमा, देन एंटर। मींस आज की तारीख में मेरी एज 30 ईयर की हो गई है। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जून है और मैं आज की तारीख के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आज की तारीख में मेरी एज 30 ईयर की है। मंथ इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ, सेम फॉर्मूला देखिए कॉमा, टुडेज डेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब आप वाई के साथ मेंशन करेंगे एम, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद, एम परसेंट, ईयर की जगह आप लिखेंगे मंथ, इन्वर्टेड कॉमा, एंटर। 30 साल 10 महीने, मतलब आज की तारीख में मेरी एज 30 ईयर की है, 10 महीने। और अगर मुझे डेज भी कैलकुलेट करने हैं कि डेज भी मुझे कैलकुलेशन में लेना है, तो इक्वल सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, डेटेड इफ ब्रैकेट, किस पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ पर कॉमा, टुडेज डेट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब हम लेंगे एम डी, डी मीन्स डेज, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट बंद, एम परसेंट, इन्वर्टेड कॉमा, और क्या लिखेंगे, डेज, इन्वर्टेड कॉमा, एंटर। तो आपने देखा दोस्तों, ये फॉर्मूला देखिए आप, डेटेड इफ टुडेज डेट कॉमा, सॉरी डेट ऑफ बर्थ कॉमा, टुडेज डेट कॉमा, वाई, एम्परसेंड और ईयर, जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है सेम वैसा का वैसा कुछ यहाँ पर भी है, बस आपने वाई की जगह वाई एम कर दिया है और ईयर की जगह मंथ कर दिया है, सेम कुछ ऐसा ही इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, आपने वाई एम की जगह एम डी कर दिया है, मंथ डेज, एंड यहाँ पर आपने मंथ की जगह डेज लिख दी है, तो है ना बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। इस प्रकार से आपने देखा कि आपकी क्या एज हो गई है पर्टिकुलर तारीख पर, कितने मंथ हो गए हैं और कितने दिन हो गए हैं। अगर मुझे टोटल मंथ कैलकुलेट करने हैं
कि टोटल मंथ कितने हो गए हैं, टोटल महीने कितने हो गए हैं, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल है इक्वल डेटेड इफ लिखना है, ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडेज डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और आप लिखेंगे एम, एम फॉर मंथ। टोटल मंथ हो गए हैं 370। टोटल डेज कैलकुलेट करना है, वेरी इजी, सेम फॉर्मूला है, डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडेज डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डी डी फोर डेज इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद देन एंटर। टोटल डेज हो गए हैं मींस 10 जून 1989 से लेके 24 अप्रैल 2020 तक ये आपके डेज हो गए हैं 11,276। तो देखा आपने दोस्तों कितना आसान है इस कैलकुलेट करना। अगर मुझे मेरी कंप्लीट एज निकालनी है एक ही लाइन में, लाइक 30 ईयर 10 मंथ एंड 14 डेज को मुझे एक ही लाइन में लाना है, तो मैं कैसे लेके आऊंगा? इसके लिए आपको करना क्या है, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट सेम डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है, कुछ नया नहीं है ज्यादा, देन टुडेज डेट पे क्लिक करना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एम परसेंट, ये आपने ईयर निकालते वक्त लिखा था आपने इन्वर्टेड कॉमा तो वाई ई ए आर, ठीक है गाइस, ये लिख दिया आपने। अब आपको कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और एम परसेंट, ये आपके लिए कुछ नया है। उसके बाद सेम लिख दीजिए डेटेड इफ ब्रैकेट टूडेज डेट कॉमा डेट ऑफ सॉरी डेट ऑफ बर्थ कॉमा टूडेज डेट कॉमा वाई एम मंथ के लिए ब्रैकेट बंद एम परसेंट इन्वर्टेड कॉमा मंथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एम परसेंट डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडेज डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एम डी इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एम परसेंट इन्वर्टेड कॉमा डेज। देखिए गाइस फॉर्मूला जैसे आपने इधर अप्लाई किया था सिम वैसे ही है, इसके थ्रू आपका ईयर कैलकुलेट हुआ, इसके थ्रू आपका मंथ कैलकुलेट हुआ और इसके थ्रू आपकी डेज कैलकुलेट होंगी। टोटल मिला के आपकी जो एज हो गई है 30 साल 10 महीने और 14 दिन। गाइस थोड़ा छोटा सा ज्यादा बड़ा है ये फॉर्मूला, लेकिन ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करिए। अब हम आगे चलते हैं डेट ऑन पर्टिकुलर डेट। अगर मान लीजिए मुझे देखना है, हाँ गाइस मैं आपको एक बातों बता दूं, देखिए मैं आज की तारीख लेके चल रहा हूँ बार बार, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप किसी पर्टिकुलर तारीख को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लाइक मुझे देखना है 1 अप्रैल या 1 जनवरी 2019 को मेरी एज क्या रही होगी, तो गाइज आपने देखा ऑटोमेटिक सारा कुछ चेंज हुआ। अगर आप मैं कहता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1991, देखा आपने मेरी एज चेंज हुई यहाँ पर। अगर मुझे आज की डेट देखनी है इक्वल टुडे ब्रैकेट ब्रैकेट बंद गाइस, देखा आपने, तो आप जरूरी नहीं है कि आज की तारीख से ही कैलकुलेशन करें, ये किसी भी तारीख के मतलब किसी पर्टिकुलर डेट के बीच में अगर आपको एज कैलकुलेट करनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए। अब हम बात करेंगे डे ऑन पर्टिकुलर डेट, मीन्स मुझे देखना है कि किसी पर्टिकुलर डेट पर क्या डे रहा होगा, लाइक मंडे संडे ट्यूजडे वेंजडे जो भी एक्स वाई जेड है क्या रहा होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे देखें, तो बहुत आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ इक्वल करके डेटेड इफ लिखना है, ब्रैकेट करना है, डेटेड इफ लिख के ब्रैकेट। अब हमें एक नया फॉर्मूला यूज करना है, उसका नाम है टेक्स्ट, आपको यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट TEXT टेक्स्ट देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा DDD इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। मैंने 3 बार डी लिखा, इसका मतलब है सॉरी
सॉरी, ये फॉर्मूला डेट टैक्स फॉर्मूले का यूज करना है हमें, डेटेड का नहीं करना। तो ब्रैकेट वन सेकंड, सॉरी इक्वल करके आपको मैं दोबारा लिख देता हूं इसे। सबसे पहले आपको इक्वल करना है, देन टेक्स्ट ब्रैकेट, देन आपको जिस डेट पर, लाइक मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1989 है, तो 10 जून 1991 को क्या डे था, मंडे था, ट्यूजडे था, वेंसडे था, क्या था, क्लिक करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डी 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 तीन बार लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बन एम ओ एन। देखो मैं तीन बार लिखा डी 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 तो एम ओ एन आया, मीन्स मंडे। अगर मैं इस डी डी की जगह यहाँ पर चार डी लगा दू तो कंप्लीट मंडे लिखा हुआ आएगा, मंडे। और अगर मैं डी 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 की जगह दो बार लिखूं ओनली डी डी तो आपको 10 जून ही दिखाई देगा, ओनली 10, ठीक है जी। तो मैंने आपको लगा दिया चार बार। तो आपने देखा गाइस किस प्रकार से हमने एज कैलकुलेट की, हमने कंप्लीट एज कैलकुलेट की, टोटल मंथ, टोटल डेज कैलकुलेट की, और हमने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर डेट पर अगर हमें डे देखना हो कि कौन सा दिन रहा होगा तो वो भी हम बड़े आराम से, बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये ट्रिक, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, और प्लीज लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।